This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello friends, this is Dr. Ravinder. सबसे पहले मैं पिंकिश का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और बातें शेयर करूं जिसमें आपको और हमको सबको बहुत आनंद मिले। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्मॉल जेस्चर्स बिग गेन्स। छोटे छोटे कदम बड़ी बड़ी खुशियाँ, खुशियाँ यहाँ ढूंढे कहाँ। लाइफ में हम लोग कुछ न कुछ पाने की दौड़ में सदा लगे रहते हैं, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है पर काफ़ी हद तक ये सच है। हजार वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला और करोड़ चाहता है, और करोड़ों वाला न जाने और कितना चाहता है। एंड वी ऑलवेज हैव दिस फीलिंग दैट एक गाड़ी आ जाए तो खुशी आ जाएगी, बड़ा बंगला हो जाए तो खुशी हो जाएगी, शायद दुनिया की किसी बड़ी डेस्टिनेशन को विजिट कर आएंगे तो खुशी मिल जाएगी। इस तरह कई प्रकार की खुशियाँ जीवन में हम सदा ढूंढते रहते हैं। और इतना ज़रूर माने कि जो लॉकडाउन का लंबा पीरियड हमें मिला उसमें हमें इतना तो ज़रूर महसूस हुआ, रोटी, कपड़ा और मकान, बहुत बड़ी खुशी है हम सबके पास। जो भी इन तीन चीज़ों से ब्लेस्ड हैं वो बहुत खुश हैं। जब एक प्रिंसिपल बच्चों को लास्ट मैसेज देता है 12th क्लास में, तो उसने कहा कि बच्चों, मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आप बहुत तरक्की करें, आपके पास बहुत बड़ा बंगला होगा, उसमें 50 कमरे होंगे, लेकिन सोएंगे तो आप एक ही कमरे में और एक ही पलंग पर, आपके घर के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, बैठेंगे तो एक गाड़ी में, आपके वार्डरोब में 1000 कपड़े होंगे तो पहनेंगे तो एक कपड़ा। कितने ब्यूटीफुली इस अध्यापक ने ये समझाना चाहा कि खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं है बल्कि एक प्योरिटी में है। उन्होंने समझाया कि बच्चों, ये जान लो कि अपनी सेल्फ को जीवन में क्रिएट करना ये सबसे ज़रूरी रहेगा इन सब दौड़ से हटकर। तो मेरा अपने पर्सनल जीवन में ये मानना है कि खुशियाँ जो हैं छोटे छोटे जेस्चर्स में हैं, उनके लिए हमें बड़े कदम नहीं उठाने पड़ते, कोई GST और ITR भी नहीं पढ़ना पड़ता। खुशियाँ जो हैं वो हैं स्माइल में, लाफ्टर में, जेनरस एक्शंस में, वर्ड्स में, अनकंडीशनल लव में, caring and sharing me, and these things are not there to be bought from the market. क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW Delhi 6 में। Grab double bonanza offer, offer valid till 31st July 2020, hurry। For example, I give you small examples of my personal life. एक बार एक examination hall के बाहर 3-3.5 घंटे के लिए wait करने के लिए खड़ी थी, और जब मैंने गाड़ी घुमाई तो मैंने 5 से लेकर 8 साल के कुछ 5-6 बच्चों को रैक पिकर्स जो कबाड़ उठाते हैं उनको देखा। मैंने जब उनसे बात करी और उनसे पूछा कि बच्चों कभी गाड़ी में बैठे हो, तो बच्चों ने कहा नहीं। I made them sit in the car and drove them for a ride. And believe me, on the way, हमने भजन गाए, हमने गाने गाए, कुछ अच्छी अच्छी वैल्यू बातें करी। वो बच्चे आपस में कुछ अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मैंने उनको समझाया कि शब्दों में कितनी ताकत है। मैंने उनको ये भी महसूस कराया कि आप भी दुनिया की हर चीज़ को पा सकते हो, अपने आप को हीन भावना में कभी मत जानो। बच्चे बहुत खुश हुए, उनको मैं एक ढाबे पर ले गई और ढाबे पर उनके साथ बैठ के मैंने नाश्ता किया, और उन आलू के परांठों में जो मुझे स्वाद आया, शायद मैंने वो स्वाद कभी जीवन में नहीं पाया। बिलीव इट, दिस वॉज जस्ट एन एक्सपेंडिचर ऑफ 250 रुपीज। अनदर टाइम व्हेन आई वॉज द पार्क, मैंने मजदूरों के बच्चों को देखा जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ खेल रहे थे, और इन लोगों का अपना कोई का घर नहीं होता। एक तो मैंने उनके साथ ऊंच नीच का पापड़ा खेला, वो बचपन की गेम उनके साथ खेली। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि बच्चों, आपने कभी कार्टून देखी है? तो मैंने अपने फ़ोन में उनको कार्टून दिखाई। सो आई बिलीव हैप्पीनेस वॉज ओवरफ्लोइंग विद मी, और उस जेस्चर के बाद
कई दिनों तक वो सेरेनिटी, एक सीरीन फ्लो, एक साइलेंट फ्लो ऑफ एक्सटेसी, एक आहा फीलिंग मेरे साथ फ्लो करी। एज अ यूजुअल हैबिट, यू नो, व्हेन आई सी द पीपल, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू पॉइंट देम आउट, बट द पीपल हु आर यूजिंग तंबाकू, सिगरेट, ये जो बीड़ी, जो रिक्शे वाले लोग हैं या लेबर क्लास होती है, दे ऑलवेज यूजिंग इट, एंड एज अ हैबिट आई डू इट। दे एक्सेप्ट इट और दे रिफ्यूज इट, इट इज देयर चॉइस, बट यू नो आई टेल देम, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको उठा के, हड्डियों के ढांचे को उठा के हॉस्पिटलों में घूमें आपका इलाज कराने के लिए, आपका पूरा परिवार आपके लिए परेशान हो, क्या ऐसा आप चाहते हो? सो मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देता है आगे वाले आदमी पे। और आप मानेंगे, कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों ने मेरे सामने बीड़ी के पैकेट को यूं उठा के फेंका। सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स, आपके रास्ते में एक खड्डा आया, आपने उस खड्डे को थोड़ी सी मिट्टी उठा के भर दिया। आप गिरे या ना गिरे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आने वाला भी कोई गिर जाता है तो एक छोटे से जेस्चर से आप इनविजिबली कितना अच्छा फ्लो क्रिएट करते हैं। सो इनविजिबली एक हैप्पीनेस आपने हवा में, एक फ्लो में क्रिएट कर दी। सो फ्रेंड्स, लुक फॉर सच स्मॉल हैप्पीनेसेस। अगर आप इन छोटी छोटी खुशियों में अपना आनंद ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि सच में बहुत बड़े कदम उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ हमें जीवन का संपूर्ण आनंद, तो कहते हैं हम सदा ढूंढते हैं, हर व्यक्ति एक आनंद को ढूंढ रहा है, कोई डिस्को में जाके ढूंढ रहा है, कोई डांस करके, कोई गाना गा के, छोटे छोटे इन जेस्चर से जो खुशी और आनंद हम ले सकते हैं उसका आपको महसूस होना तभी होगा जब आप खुद ऐसे कदम उठाएंगे। सो फ्रेंड्स, एंजॉय हैप्पीनेस, लुक फॉर स्मॉल जेस्चर्स एंड बिग गेन्स। डॉक्टर रविंद्र, थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010-908888. Thank you.